हाय गाइस, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। दोनों से हाय। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं करूँगी, नेक्स्ट डे से करूँगी, बट हो ही नहीं पा रहा है। टाइम जो है वो सूट ही नहीं कर पा रहा है, बिकॉज अभी जो है आदत जो है थोड़ी बहुत छूट गई थी। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा लाइन पे आएंगे, बिकॉज अभी मौसम भी है, चेंज हो गया है। ये वाला मौसम मुझे ठीक लगता है, ना गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, ओके ओके, मतलब सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पाता है। तो और आज डेट है 1 मार्च। 1 मार्च को मैं ब्लॉग कर रही हूँ। लास्ट मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कब करा था कब नहीं करा था। रोज़ सोचती हूँ कि स्टार्ट करूँ, बट एक हफ्ते से क्या हो रहा था, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फीवर लाइक रात को आ रहा था, दिन को नहीं आ रहा था, शाम को इस टाइम पे आ रहा था। ये ट्यूशन नहीं जा रहा था, स्कूल नहीं जा रहा था। अब जाकर ये आज बेटर है, आज बहुत बेटर है, नहीं तो ये ऐसे हो गया था। बस बस मम्मा मेरे को गोदी में लेके बैठे रहो, मेरे साथ बैठे रहो, कोई काम मत करो। हाँ, और इसको इतनी नींद आ रही थी, इसको इतनी नींद आ रही थी, ऐसा लगता कि मतलब बस इसने भांग पी रखी या फिर इसने नशा कर रखा। कहीं पे भी जा रहा है वहीं पे सो रहा है, मेडिसिन ले रहा है बेड पे सो रहा है। मतलब ये ना ही अच्छे से प्ले कर पा रहा था, ना ही ये स्टडी कर पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस यही बोलता मम्मा मेरे यहाँ पेन हो रहा है, मम्मा मेरे यहाँ पेन हो रहा है, आईज में जलन हो रही थी। इसको मैं ना कोशिश करती ये हर चीज़ में एक्टिव रहे, बट ये नहीं कर पा रहा था। मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही थी, यही मेन चल रहा था। और बस अभी क्या है, आज ठीक है, टचवुड गुरु जी की कृपा से आज ठीक हो गया है। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग करते हैं। आज मेरा रीज़न भी पता है व्लॉग करने का क्या है, आज हस्बैंड आए नहीं है, वो आएंगे लेट, 12 बजे आएंगे। तो मैंने सोचा मम्मी बेटा जो करेंगे वो आप लोगों से शेयर करेंगे। वैसे तो पूरा दिन आज मेरा ऐसे ही निकल गया, मैंने रात को कपड़े धोए थे, कपड़े उतार के आई हूँ, इसकी जो अलमीरा है वो सेट करी, इसके जो समर्स के कपड़े थे वो निकाले हैं। हमने अपने तो निकाल लिए थे, मैंने मतलब अपने और अपने हस्बैंड के निकाल लिए थे, इसके नहीं निकालते क्योंकि अभी बच्चों के लिए ठंड थी। बट अब जाकर मैंने निकाल लिया, मेरे को ये था कि इसको ज़्यादा गर्मी ना लग जाए, बिकॉज इसको गर्मी भी ठंड भी जल्दी लग जाती है। और मेरे बालों का हुलिया देखो क्या हो रखा है। तो आज इसके अलमीरा सेट करी है, फोटो एक एल्बम बनाई है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको ट्यूशन छोड़ कर आते, टाइम हो चुका है 5, मेरे को पेट्रोल डलवा कराना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं जब हस्बैंड साथ में नहीं होते हैं। तो मुझे थ्रेडिंग भी करवा करानी है, एंड मुझे एक हीटर भी लेकर आना है, वैक्स का जो वैक्स हीटर होता है वो भी लेकर आना है, बिकॉज मेरा लास्ट जो मैं यूज़ करती थी वो ख़राब हो चुका है, तो मैंने उसको फेंक दिया है। एंड हम मम्मी बेटा क्या मस्ती करेंगे, क्या डिनर करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब कुछ शेयर करूंगी। तो एंजॉय करना व्लॉग को, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कर लेती हूँ मैं। तो चलो इसको सबसे पहले मैं ट्यूशन छोड़ कर आती हूँ, ट्यूशन का टाइम हो गया है। अब ये आईपैड में बैठा था। हाँ जी बोलो। आज मेरा प्लान है हम रात को मॉल चलेंगे। मॉल नहीं चलेंगे, और इसके परसों से एग्जाम स्टार्ट है 3 मार्च से। मेरे को बस ये था कि इसको फीवर जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज लड़के के फाइनल एग्जाम है, 3 तारीख से ओरल स्टार्ट है। और आगे आपको एक गुड न्यूज दूंगी, इससे रिलेटेड है। वो क्या है वो आपको अप्रैल में पता चलेगी, तो बाद में बताऊंगी। ठीक है, इसके लिए है आज मॉल चलोगे, देख रहे हो, देखो कैसे मेरे को कर रहे हो। पापा से पहले पूछो, ये बनाना खाया छिलके यहीं फेंक दिए इसने। पापा जी मना करेंगे, और आपका एग्जाम है बेटे, ओरल है परसों जीके का। आज 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 नहीं, लो हाँ रखो, अब तो यही रख लेना बेटे, ये देखो कहाँ रख रहे, सारा घर फैला हुआ है। ये देखो कपड़े उतार के, कपड़े फोल्ड करने हैं, और कुछ ना विंटर्स के इसके कपड़े रखने हैं, कुछ क्या थोड़े बहुत जो नहीं रखे थे वो रखने हैं, मोटी मोटी जैकेट रख दी थी बट इनर वगैरह नहीं रखे थे, वो इस बॉक्स में थे ना, इसके समर्स वाले जो निकाले हैं जो अभी बाहर पड़े थे, विंटर्स वाले वो रख दिए। कपड़े फोल्ड मैंने आज करे नहीं है, मेरे को ये था कि इसमें जो विंटर्स के कपड़े ना वो फोल्ड कर करके इसमें रख दूंगी। तो चलो बातें ज़्यादा हो गई है, अभी चलते हैं इसको ट्यूशन छोड़ने। अभी हम जा रही हैं ये थ्रेडिंग करवाने, कंपनी देने चल रही है ये मैडम। दोना कितना टाइम किया है, जला दिया यार भाभी ने मेरे को।
चला दिया भाभी ने, ये देख रहे हो कब पहले बुला लेते हैं लोग काम से, फिर कहते हैं कोई काम नहीं है। मैं लगा रही हूँ आइस इसलिए क्योंकि मुंह जल गया मेरा। आपने जला दिया भाभी, देखो ज्यादा रेड हो गया ना। तो क्या देख रही है? नहीं भाभी ने बनाई है चाय, मस्त अदरक वाली चाय, अगर अच्छी बनेगी तो भाभी को एक ठेला खोल लेना चाहिए। आरती आएगी सबसे पहले पीने फ्री में। नहीं बनाऊंगी फ्री में तो भी नहीं आऊंगी, रोज डेली की चार कप फ्री में। देखो दोस्ती हो तो ऐसी हो। छोड़ो अभी चाय पीने दे, मस्त चाय अदरक वाली। कौन सा कप दीदी? बोल, मैंने आपका दूसरा पासवर्ड भी पता लगा लिया। कौन सी नमकीन अच्छी है? कहाँ चली नमकीन? संडे स्टोर। नमकीन अच्छी है, हर चीज संडे स्टोर। संडे स्टोर ये पैर अच्छी तरह से। क्या पैकेट का नाम है कोई है? डस्टबिन फेंक के आ गई हूँ मैं। आ चुका है ट्यूशन से और मैं इसको ले आई हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मैं भाभी के साथ चली गई थी सामान लेने। एक्चुअली जो भाभी का नमकीन खाई थी ना वो बहुत टेस्टी लगी थी। मैं लेने तो गई थी नमकीन, अब वही है ना कि हम लेडीज कहीं भी चले जाएं एक चीज लेने जाते हैं तो उसके साथ में 10 चीजें आती ही आती है। पता नहीं क्या वरदान मिला हुआ है। मैंने सोचा था कि बस मैं नमकीन नमकीन लेकर आऊंगी लेकिन मुझे इतनी सारी चीजें दिख गई, फिर मैं ले ही आई। मैं आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मैंने ये वाली नमकीन तो भाभी घर खाई थी ना, ये वाली बहुत टेस्टी लगी थी। ये वाली अग्रवाल बीकानेर की है, बहुत टेस्टी है ये वाली। एक ये वाली लेकर आई हूँ एंड एक ही मैंने लिया है डाइट नमकीन, जिस पर डाइट बाजरा लिखा हुआ है। ये खा के देखूंगी, फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, खा के देखेंगे। और ये देखो दूसरी ये ली है ये वाली, ये भी अच्छी होती है। देखो ये वाली है, ये दूसरी की है। और ये पीनट्स लेकर आई हूँ नमक वाले, ये देखो ये वाले, एक ये लेकर आई हूँ बस। और साथ में मैं लेकर आई हूँ दही, खुली दही ना वहाँ से अच्छी मिलती है क्योंकि पहले मैं वहीं रहती थी तो वहाँ की दही बहुत अच्छी होती है। अब रोड रोड तो जाना पॉसिबल नहीं होता, मैंने गई भी थी, मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तो मैं दही इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे बनानी है इडली, तो इडली में दही लगेगी। और अब जैसे कि मैं सांभर मसाला डोसा लेकर आऊंगी तो उसमें सांभर ज़्यादा ही ले आऊंगी, इडली के साथ खाएंगे। एक डोसा लेकर आऊंगी, बाकी इडली तो मैं घर पर बना ही लूंगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए सूजी, पहले सूजी निकाल ले। सूजी और मुझे दूध भी बॉईल करने रखना है। तो बस नन्नू के यहाँ पर खानी थी डाइट तो मैंने इसको डाइट डाल के दे दी है। और उसके बाद मैं इडली का बैटर रेडी कर रही थी, इसमें मैंने दही और पानी से बैटर को रेडी कर लिया, सूजी ली थी मैंने। और 15 मिनट इसको रेस्ट पे रख दूंगी फिर जाकर मैं बनाऊंगी। और उसके बाद नन्नू को चाय पीने का मन था तो मैंने चाय भी बना ली थी और साथ में दूध भी बॉइल करने के लिए रख दिया था। चाय मैंने बना लिया और नन्नू के यहाँ पर स्पेशल कप में चाय आती है, आप सबको पता है ये नन्नू का स्पेशल कप जिसके साथ प्लेट भी आती है। अभी थोड़े से मेरे से नाराज है लेकिन हम इसको मना लेंगे। तो ये रहा नन्नू का स्पेशल कप, कैसा लगा बताना है ना नन्नू? गोल्डन कलर का। नन्नू को बताना नन्नू का ये चाय वाला कप कैसा है। वैसे तो मैं चाय पीकर आई थी, भाभी ने पिला दी थी लेकिन नन्नू को पीनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना बना लेते, इसी बहाने बच्चा पी लेगा। अरे कोल्ड ड्रिंक ये देख रहे हो अब, कोल्ड ड्रिंक। चलो चाय पीते हैं। इतना मैंने जो बैटर रेडी कर रखा है ना ये देखो, ये हो जाएगा फिर हम अपना रखेंगे बनने के लिए इडली। यस तुम क्या कह रहा पीछे? पीछे तो गिरा है कुछ ना कुछ तो उठते आ जाइए। चलो आ जा पहले आ जा, चाय पी ले। ठंडा खाने का अभी पहले चाय पी ले, पहले गरम खा ले फिर ठंडा खा ले। नहीं अब पहले चाय बन चुकी है बेटे,
20 से 25 मिनट हो चुके हैं, जो बैटर है वो अच्छे से मतलब रेडी हो चुका है। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। अगर आपको सरसों डालनी तो आप सरसों का तड़का भी दे सकते हो। इसके अंदर मैंने सरसों नहीं डाली है और इसके अंदर इनो डाल के थोड़ा सा पानी डाल के बैटर को अच्छे से चला लेंगे। एक ही डायरेक्शन में चलाना है, मतलब राउंड नहीं करना, एक ही डायरेक्शन में करना है। और फिर इसको मैं जो बैटर है ये देखो रेडी हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बेस ले लिया, बेस के ऊपर अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल से, ताकि हमारी इडली चिपके नहीं। और बैटर को डाल के हम अपनी इडली को मतलब बेस को पानी के अंदर रख देंगे। और एक पतीले में मैंने पानी थोड़ा सा डाल करना अच्छे से बॉयल कर लिया था, ताकि हमारी इडली अच्छे से फर्स्ट क्लास बन जाए। तो 20 से 25 मिनट लगते हैं मैक्सिमम और हमारी इडली बनके तैयार हो जाती है। तो इसमें दो चार मतलब सारी इडली बन चुकी है। इसमें अभी चार इडली बनी है, तो मैं अभी आके निकालूंगी। बाकी जो थी मैंने होटके इसमें डाल दिया। अभी जा रहे हैं डोसा लेने। पहले तो मैं सोच रही थी नन्नू को नहीं लेके जाती, लेकिन नन्नू कह रहा है मैं भी चलूंगा, तो नन्नू को लेके चलते हैं। अपना फोन उठा लूं मैं, इसका कवर कहाँ है, चलो डोसा लेने चलते हैं। और ये देखो आज मेरा ये जल गया, क्योंकि मैं कराती हूँ कटोरी वैक्स। तो ये देखो ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मैं जल्दी से ठीक नहीं छाना। इसकी आइस क्यों जल रही है, इसको ये समझ नहीं आ रहा। चलो नन्नू हैरान हो गया क्योंकि इतनी जल्दी डोसा मिल गया। बिकॉज जहाँ से हम डोसा खाते हैं, जब खाने जाते हैं लेकर आते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम 25 मिनट के बाद मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, हद से ज़्यादा। मतलब वहाँ पर बैठ के जो खाते हैं, सिटिंग वाला भी बहुत भीड़ रहता है और पैकिंग में भी बहुत क्राउड रहता है। आज भी था, बट जैसे ही मैंने भैया को बोला डोसा पैक कर दो एक, तो मतलब पाँच मिनट लगे उन्होंने मेरे को डोसा पैक करके दे दिया। तो ये रहा हमारा डोसा। ये देखो ये रहा, अभी मैं इसको निकालती हूँ। इडली भी रेडी है और डोसे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज का हमारा ये डिनर होने वाला है और नन्नू की मौज होने वाली है। नेक्स्ट संडे की मोल जाएगा, इसके तो मोल लगी रहती है। तो फटाफट से मैं पहले खोलती हूँ इसे, पहले इसको निकालती हूँ। नन्नू को कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, देख लो इसको। तो ये देखो इडली कितनी स्पंजी बनी है, बहुत टेस्टी बनती है घर पे। आप इसी तरीके से बनाओगे ना इडली, आप बाहर की खाना छोड़ दोगे, आप बनाओगे ऐसे बनाओगे। कभी मैं सांभर की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा आप लोग कमेंट करो कि मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ। वैसे तो मैंने बहुत टाइम पहले एक बार शेयर किया था, दोबारा से बनाऊँगी फिर शेयर करूँगी। तो मैंने ले लिया यहाँ पर इडली और ये रहा हमारा डोसा। ये देखो डोसा रहा और चटनी ये, और ये देखो इसकी शक्ल। अभी इसने खाना शुरू करा और ये देखो इसके नखरे स्टार्ट हो गए कि मिर्ची है, और कहीं मिर्ची नहीं है, नखरे देख रहे हो लड़के के। बस इसको प्यार से मनाते रहो, इसको सहलाते रहो, तब ठीक है। इसको थोड़ा सा डांटना तो दिन नखरे करने लग जाता है। तो हमारा डिनर तो यही है आज का। तो हमारा आज साउथ इंडियन डिनर है। फोन में बैटरी भी डाउन हो गई, तो चलो हम फटाफट से खाते हैं, इंजॉय करते हैं। और होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा। और नन्नू पता है किसका व्लॉग देख रहा है, ये देखो सौरभ जोशी का व्लॉग देख रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा फैन बैठा है सौरभ जोशी का, जो कि बहुत गंदा बच्चा है, देखता है इसको सब कुछ वही करना, सब कुछ वही करना, सब जल्दी खा ले, फिर मैं तो नहीं तो टीवी बंद कर दूंगी। टांग में दर्द हो रहा है, फिर क्यों गया था मेरे साथ, परे हो थोड़ा सा। तो चलो गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ डिनर करने के बाद। नखरे देखते रहे खाते टाइम बड़े। तो इसको डिनर करने के बाद ना हल्का हल्का सा मेरे को लग रहा था कि वीकनेस आ रही है, तो मैंने इसको मेडिसिन दे दी। और इसको ना रात में आ ही गया था फीवर, हम डर गए थे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इसका ब्लड टेस्ट भी हुआ था, वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा क्या आया रिपोर्ट में। अभी फिलहाल तो मैंने इसको दवाई दे के सुला दिया था, और उसके बाद मैंने भी कुछ शूट नहीं किया क्योंकि इसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी, तो मेरा मन ही नहीं किया। तो चलो गाइस इस वाले व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। बाय बाय, मिलते हैं।